कैसे हो आप सब? आई होप के सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज का वीडियो ब्लॉग वीडियो होगा, क्योंकि आज मेरे लिए कुछ थोड़ा सा खास दिन है। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में पढ़ा होगा कि आज जो है मैं शादी के 9 साल के बाद फर्स्ट टाइम अपने मायके जाऊंगी। सो क्या है इसके पीछे का रीज़न कारण, वो मैं आपको वीडियो के दौरान बताऊंगी। सो वीडियो को स्किप किए बिना लास्ट तक आप जरूर देखना, तभी आप जान पाओगे। तो अभी 12 बज रहे हैं और शाम के मेरे ख्याल से 7 बजे तक हम वहां पहुंचेंगे, क्योंकि जहां से 250 किलोमीटर की दूरी पर है मेरे मायके। हम मेरे जो ससुराल है वो पंजाब में है और जो मेरे मायके हैं वो हिमाचल में है। तो यस, आपको साथ लेकर चलेंगे। आज का दिन जो है मैं आपके साथ शेयर करूंगी पूरा दिन जो है। तो देखिए मैं रेडी हूँ, बहुत ही सिंपल सी कुर्ती पहनी है मैंने, बहुत ही सिंपल सी कुर्ती। और हाँ, मैं आपको बैंगल्स दिखाना चाहूँगी, कैसे लगी आपको? सुंदर है ना? ये मेरी बहुत ही एक स्वीट सी आंटी हैं, हरीना आंटी, रोहतक में रहते हैं वो। तो उन्होंने मुझे हाल ही में आई थिंक 15 दिन पहले मुझे गिफ्ट की है। सो आज मैंने यही पहनी है, मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत प्रीटी। तो चलिए अभी आपको साथ लेकर चलेंगे, ये सफ़र जो है वो आपके साथ हम शेयर करेंगे, स्पेंड करेंगे। तो मैं जा रही हूँ, मेरे बच्चे जा रहे हैं, मेरे हबी और हबी के दोस्त जो कि हमारे लिए फैमिली मेंबर्स की तरह ही है, हमारे घर पर ही रहते हैं लगभग। तो हम जाएंगे। एक्चुअली क्या है कि मेरे जो मायके वाले हैं, मेरे जो मम्मी पापा हैं, उन्होंने घर पर पूजा रखी है। 3 दिनों की पूजा है, कल, परसों और 20 तारीख को। तो मेरे हस्बैंड और वो इनके दोस्त जो हैं वो 20 को या फिर 21 को वापस आ जाएंगे, लेकिन हम, मैं और बच्चे जो हैं वहाँ पर रहेंगे, क्योंकि छुट्टियां हैं बच्चों की, तो कुछ दिन वहाँ पर रहने वाले हैं। तो चलिए अभी फटाफट से निकलते हैं, ठीक है? दोस्तों, हम पहुंच गए हैं अपने घर पर। एक्चुअली 12 बजे निकले थे घर से और अभी रात के 9 बज रहे हैं। 7 बजे हम पहुंच गए थे जहां पर, तो 2 घंटे रेस्ट किया, क्योंकि मेरी हालत बहुत ख़राब हो जाती है सफ़र के दौरान, बहुत ज़्यादा। रेस्ट किया, खाना भी खा लिया, तो सोचा कि आपसे बातें कर लूँ। इस वक्त भी मेरी हालत, कंडीशन जो है सही नहीं है, बट तो दोस्तों, मैं जैसे कि आपको थंबनेल और टाइटल में आपको बताया था कि शादी के 9 साल के बाद मैं अपने मायके जा रही हूँ फर्स्ट टाइम। तो इसके पीछे का कारण
क्या है कि मेरे जो मायके हैं वो पंजाब में ही रहते थे, अभी हिमाचल में शिफ्ट हुए हैं 1 फरवरी को, तो उससे पहले वो पंजाब में रहते थे। मेरा जन्म जो है, मेरी जन्मभूमि हिमाचल ही है, लेकिन मेरी जो परवरिश हुई है, पालन पोषण हुआ है, मतलब मैं आई थिंक कुछ ही महीने की थी जब मेरे मम्मी पापा जो हैं वो पंजाब में शिफ्ट हो गए थे। तो मेरी पूरी परवरिश, पूरा पालन पोषण जो है वो पंजाब से ही है। तो शादी भी पंजाब में हुई, हालांकि जो मेरी ससुराल फैमिली है वो भी हिमाचल से ही है। ये जो गांव है मेरे मायके का, बिल्कुल पास में ही मेरे ससुराल का भी गांव है। तो इसीलिए मैं आपको थंबनेल और टाइटल में बोली कि शादी के 9 साल के बाद फर्स्ट टाइम मैं अपने मायके जा रही हूँ, क्योंकि देखिए असली मायका जो है ना वो यही है। हालांकि मेरा पालन पोषण, मेरा मेरी परवरिश पंजाब में हुई, वो रेंट पर रहते थे, मेरे पेरेंट्स जो है रेंट पर रहते थे इतने साल, लेकिन अभी वो 1 फरवरी को जहाँ पर शिफ्ट हुई है, खुद के घर, खुद के पुश्तैनी घर में। तो जो पुश्तैनी घर होता है ना वो ही रियल घर होता है। सो यही मेरा रियल मायका है। इसलिए मैं आपको थंबनेल और टाइटल में यही बोली कि फर्स्ट टाइम मैं अपने मायके जा रही हूँ, तो उसके पीछे का कारण जो है वो यही है। अभी मेरी हालत जो है ना, कंडीशन जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन आपको क्लियर करना ज़रूरी था। बना आप बोल देख के मीना कुमारी ने बताया नहीं, जो टाइटल और थंबनेल में लिखा वो क्लियर नहीं किया कि किस कारण उन्होंने ऐसा बोला। तो यही बात थी दोस्तों, मैंने आपको क्लियर की कि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो अपने पुश्तैनी घर में शिफ्ट हुए हैं। सो यही इनका रियल घर है और यही मेरा जो है रियल मायका है। इसलिए मैं आपको जो है बताना चाहती थी। सो बहुत खुशी हो रही है दोस्तों, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। इनका जो नया घर है, खुद का घर है, पुश्तैनी घर है जहाँ पर शिफ्ट हुए हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तो यही खुशी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, यही एक्साइटमेंट। बहुत टाइम से मुझे एक्साइटमेंट था कि कब मैं उनका पुश्तैनी घर देखूँगी, तो फाइनली मेरी वो इच्छा जो है वो पूरी हुई। इनका पुश्तैनी घर देखकर बहुत मन को खुशी हुई। बस यही खुशी जो है ना मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी और कुछ नहीं। तो इसी वजह से मैंने आज ये ब्लॉग जो है वो बनाया, सिर्फ और सिर्फ आपके साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि आप जो है ना मेरे जो व्यूअर्स हैं, आप जो मेरे वाइटी फैमिली हैं, आप मेरी वाइटी फैमिली हो, जो मुझे देखते हैं वो मेरी फैमिली की तरह हैं। तो फैमिली के साथ दुख सुख शेयर करना हमें अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती थी। तो अभी कल से जे इनके मतलब मेरे पेरेंट्स जो हैं कथा घर पर रखी है, 3 दिन रहेगी, 18 को, 19 को और 20 को। तो वो भी मैं आपको अपने ब्लॉग्स के ज़रिए ज़रूर शेयर करूँगी। ये 3 दिन जो हैं
मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। प्लीज़ आप उसे भी ज़रूर देखना पूरी दिलचस्पी के साथ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए दोस्तों, अभी मुझे रेस्ट करना है, मुझे सोना है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।